नमस्कार आदर्श सुश्री काल मैं हूं कपिल का कार्डपाल स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 12 ऑफ आवर विजडम बैच दैट इज द डिक्रिप्टेड बैंकिंग बैंकिंग यस वी आर डिक्रिप्टिंग बैंकिंग इन अ न्यू फॉर्म एंड उम्मीद करता हूं आप इसको फॉलो कर रहे हैं इस लेक्चर्स को बहुत ही शानदार लेक्चर्स हैं बहुत ही मजेदार लेक्चर्स हैं बहुत ही बढ़िया तरीके के लेक्चर्स हैं और डेफ़िनेटली डेफिनेटली आप इन लेक्चर्स को तब भी मिस करोगे जब आप बैंक की जॉब कर लोगे और उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाओगे और उसके बाद बहुत सारे इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम्स दोगे तब भी आप इन लेक्चर्स को डेफिनेटली याद करने वाले हो ऐसा मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है ओके okay. अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से बताता हूँ जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नौ साल से ज़्यादा हो चुके हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टिल वर्किंग इन द बैंक सो प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ हर एक चीज़ को एंड आपकी इस वे में बताता हूँ ताकि आपके माइंड में एक चीज फिट हो जाए ओके okay, हमारी ऐप एंड वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा वहां पर आप जाकर और आपके लिए ढेरों अलग अलग तरीके का मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है मेरे बारे में कुछ जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं ये मेरे बारे में कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं एंड इन लास्ट लेक्चर लेट्स की आखिरकार लोन्स एडवांस होते क्या हैं बेसिक्स हमने समझ लिए थे और इस लेक्चर में बारी है कि की और में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी कैश क्रेडिट आखिरकार ये कैश क्रेडिट होता क्या है ओके कैश क्रेडिट होता क्या है ये आपका इन आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं राइट गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके चलिए स्टार्ट करें ओके लेट्स बिगिन द सेशन व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कैश क्रेडिट ये हमने पिछले लेक्चर में लोन्स एडवांसेस का बेसिक समझा था सामने आपके हैं तो वही का भाई चल रहा है आपका सो so इसमें मैंने आपको ये बताया था कैश क्रेडिट के बारे में उसी को हम यहाँ पर अब कंटिन्यू करेंगे आ, कैश क्रेडिट को समझते हैं नगद साक कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको ओके मैंने उस दिन बताया था आपको कि आप लोग हाउसिंग लोन लेते हो व्हीकल लोन लेते हो एजुकेशन लोन लेते हो जो कि एक बहुत ही कॉमन लोन है आपके लिए ओके जो जनरल पब्लिक के लिए और अगर बिजनेस के लिए लोन लिया जाता है तो वो सीसी -सी के फॉर्म में लिया जाता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में लिया जाता है ठीक है अब नेक्स्ट चीज इसको अलग तरीके से अब समझते हैं आज कैश क्रेडिट को टेक्निकल भाषा में आज इसको समझते हैं और हम लेकर चलते हैं एक आपको बिजनेस बिजनेस की तरफ जो कि है आपका किसका हमारे कालीन भैया का ही ओके एक ही एग्जांपल हम शुरू से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको उसी एक एग्जाम्पल के थ्रू उसी एक बिजनेस के थ्रू पूरी की पूरी मैं बैंकिंग को समझा सकू और वो आपको ईजी भी रहे सो तो कालीन भैया कालीन भैया किस चीज की दुकान करते हैं कालीन भैया की किरियाना शॉप है ओके किरियाना शॉप है जिसका नाम त्रिपाठी एंड कंपनी है त्रिपाठी एंड सन्स है ओके okay, किराना शॉप है जिसका नाम त्रिपाठी एंड सन्स है ये कुछ टर्म्स में बार बार यूज करूँगा तो आप ध्यान रखिएगा ठीक है सो so, कालीन भैया इज़ हैविंग अ किराना शॉप एंड इज ऑफ त्रिपाठी एंड सन्स द नेम इज त्रिपाठी एंड सन्स अब यहाँ पर कालीन भैया uh, अपना जो दुकान पे सामान है जो दुकान पर सामान है वो काफी सारा सामान अपना किस पे करते हैं उधार पे बेचते हैं कैसे बेचते हैं उधार पे बेचते हैं जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं कि क्रेडिट पे बेच दिया ये सामान उधार में बेच दिया क्रेडिट वर्ड होता है उधार का उधार को हम क्रेडिट बोल देते हैं और कुछ सामान वो कैश में बेच देते हैं यानी कि नगद में बेच देते हैं कि पैसा आपने सामान दिया और पैसा आपको मिल गया उसके बदले में क्रेडिट में उधार में बेचा जो माल आपने उसका पैसा कालीन भैया को कुछ लोग एक महीने बाद दे देते हैं कुछ लोग दो महीने बाद देते दे हैं दे, कुछ लोग तीन महीने बाद भी देते हैं कुछ लोग छह महीने बाद भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन कस्टमर किस तरह का कस्टमर है थोड़ा ज्यादा खड़ूस कस्टमर है तो छे छह महीने लगा देता है पीछे पड़े रहो पड़े रहो तब भी वैसा नहीं आता कुछ लोग बिना कहे ही एक महीने बाद हिसाब कर लेते हैं उसकी दुकान पे आके ओके और कुछ लोग छः छः महीने तक हिसाब नहीं करते हैं तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं ऐसे लोग भी मौजूद है दोनों के दोनों लोग कौन से हैं दोनों के दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कालीन भैया से उनकी किरियाना शॉप से कुछ ना कुछ सामान खरीदा और वो भी उधार में खरीदा है राइट right. और कुछ आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं बिल्कुल सही चाहे वो पांच रुपए की टोफी ही लेने क्यों ना जाए या दो रुपए की नटकट या दस रुपए की नटकट जो भी आती है वो लेने क्यों ना जाए वो भी आपका पैसे टाइम टू टाइम आपका देकर आते हैं तभी वहां से नटकट लेकर आते हैं ओके okay. सो so यहां पर आप बात करते हैं कि कालीन भैया को आखिरकार पैसों की जरूरत आई क्यों कालीन भैया को अचानक पैसों की जरूरत आ गई किस लिए आई दुकान के लिए उनको पैसों की जरूरत आई और वो किस लिए आई आप सब जानते हैं कि किराना की जो शॉप है इसमें बहुत सारा माल होता है बहुत सारा माल जिसको हम स्टॉक कहते हैं फर्स्ट क्लास याद आ रही होगी आपको ठीक है जो क्लास काफी लोगों को इरेलीवेंट लगी थी आज भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि सीधा सीधा बताइए आप घुमा फिरा कर क्यों बता रहे हैं ठीक है अब उनकी सोच जैसे जिनकी सोच ठीक है अब यहाँ पर बात यह है कि बहुत सारा स्टॉक होता है बहुत सारा सामान होता है आपका किराने की दुकानों पे तो उस किराने की दुकान पे जो सामान होता है वो अलग अलग लोगों को बेचा जाता है मानते हो दस तरह के बीस पचास तरह के आइटम्स होते हैं अलग अलग लोगों को बेची जाती है अब जैसा मैंने आपको बताया कुछ कैश में है कुछ क्रेडिट में है और ये स्टॉक जिन लोगों को बेचा जाता है और वो लोग जो आपको उधार जिनको आप करते हो उन लोगों को हम क्या कहते हैं डेटर्स कहते हैं फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट याद आ गया होगा और यही सामान हम कुछ लोगों से खरीदते हैं तो हो सकता है उन लोगों से हमने उधार में खरीदा हो हो सकता है उन लोगों से नगद में खरीदा हो यह कंसेप्ट भी है तो अगर जिनसे हमने उधार में खरीदा है तो उनको हम क्या कहते हैं क्रेडिटर्स कहते हैं ये भी पहली क्लास का कंसेप्ट है गोट सो so, यहां पर स्टॉक्स के लिए हमारे पास दो तरह के और पर्सनैलिटी दो तरीके के पर्सन हो गए डैटर्स एंड क्रेडिटर्स अब जो डेटर्स हैं हमारे जो डेटर्स हैं हमारे इनसे हमें पैसा नहीं मिल रहा है और जो क्रेडिटर्स हैं हमारे इनको हम पैसा नहीं दे रहे हैं देखो पीछे से पैसा आएगा तभी मैं तो आगे दूंगा अगर पीछे से पैसा नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे दूंगा तो कहने की बात यह है कि अगर मुझे डेटर्स बढ़िया तरीके से पैसा देता रहे यानी कि मेरा जो फ्लो है जो मनी का फ्लो है जो पैसे का फ्लो है फ्लो ऑफ मनी जो कि आपका स्मूथ चलती रहे तो मैं इजली क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर सकता हूं टाइम टू टाइम अगर यहां से मुझे पैसा एक महीने में मिल रहा है तो मैं क्रेडिटर्स को भी एक महीने में पेमेंट कर दूंगा हाँ ये जरूर है कुछ जरूरी नहीं है सारे क्रेडिटर्स आपको उधार में दे पैसे आपको स्टॉक आपको नगद में भी दिया जाए तो जो आपको नगद में पैसा देता तो उनको आप नगद में उतनी पेमेंट भी कर दोगे अपना प्रॉफिट रख के राइट right. ठीक है तो ये फ्लो ऑफ मनी जो है दिस इज फ्लो ऑफ मनी ये उफ फ्लो ऑफ मनी आपका चलता रहना एक जरूरी है एक चलता रहना जरूरी है क्यों जरूरी है फ्लो ऑफ मनी को चलते रहना क्योंकि आपको अपनी दुकान को चलते रहना जरूरी है कहने की बात ये है कि अगर डेटर्स जो हैं अगर डेटर्स मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं अगर बोल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं तो तीन महीने बाद पैसा दूंगा लेकिन क्रेडिटर्स का उधर से फोन आ जाता है क्रेडिटर कौन है बाबू भैया बाबू भैया याद होंगे आपको हमने क्रेडिटर थे जिन ज, जिनके लिए हम क्रेडिट थे जिनके लिए हम क्रेडिटर थे सो so, यहाँ पर जो क्रेडिटर थे सॉरी जो क्रेडिटर थे हमारे बाबू भैया बाबू भैया मुझे कहते हैं कि नहीं बाबू नहीं भाई मैं तो एक महीने में ही मुझे पैसा अपना वापस दो मैंने जो माल बेचा है उसका पैसा मुझे एक महीने में चाहिए मैं नहीं दो महीने इंतजार करूंगा हम समझा समझा के थक गए कालीन भैया कि नहीं बाबू भैया आप यहां पर एक महीने में मुझे पैसा मिल ही नहीं रहा मुझे पीछे से दो महीने में पैसा मिल रहा है मेरे डेटर्स दे रहे हैं तो आप भी दो महीने की यहां पर उधारी कर लो बाबू भैया नहीं मान रहे बिल्कुल नहीं मान रहे जिद पर अड़े हुए हैं जैसे बाबू भैया का हमारा नेचर है राइट सो अब क्या किया जाए अब फ्लो ऑफ मनी तो ब्रेक हो गया और अगर फ्लो ऑफ मनी ब्रेक हो गया तो यहां पर क्या सिचुएशन मेरी दुकान में आएगी मेरी दुकान पे अगर फ्लो ऑफ मनी नहीं है अगर यानी कि मुझे पीछे से पैसा नहीं मिल रहा तो मैं बाबू भैया को पे नहीं कर पाऊंगा बाबू भैया को पे नहीं किया तो बाबू भैया नेक्स्ट जो मेरा माल है जो नेक्स्ट मेरी जो लॉट आना है बाबू भैया से नटकट का वो मेरे पास लॉट नहीं भेजेंगे बाबू भैया और जब नटकट का नेक्स्ट लॉट नहीं भेजेंगे बाबू भैया तो मैं फिर आगे जो मेरे से डिमांड करेगा और मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर मैं दुकान चला ही क्यों रहा हूं ऑब्वियस है ना दुकान किस लिए चला रहे दुकान तो इसलिए चला रहे ना कि मुनाफा हो मुझे प्रॉफिट हो मुझे और जब यह सब होगा ही नहीं जब प्रॉफिट का खेल ही नहीं होगा फिर मैं दुकान चलाऊंगी मैं दुकान ही बंद कर देता हूँ तो यानी कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज है ये एक छोटी सी चीज है छोटा सा एग्जांपल लिया बहुत बड़ा एग्जांपल लिया क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती है जिसमें वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कितना सामान कितने सारे क्रेडिटर्स इन्वॉल्व है कितने सारे डेटर्स उसमें इन्वॉल्व है तो इन सबको मैनेज भी तो करना पड़ता है तो यहां पर मैं सिर्फ एक-एक एग्जांपल एक ले रहा हूं। आपका फ्लो ऑफ मनी यहां पर मेरा रुक चुका है और मेरा अगर कोई पर्सन मुझे ऐसा मिले वो कहे कि फ्लो ऑफ मनी जो है मैं आपका फ्लो ऑफ मनी ओके कर देता हूं मैं क्या करता हूं आपको आपका जो डेटर है आपको कितने टाइम में पैसा देगा आपको दो महीने में पैसा देगा वापस ठीक है और आपका जो क्रेडिटर यानी कि बाबू भैया को आपको पैसा कितने महीने में देना आपको एक महीने में पैसा देना तो यानी कि जो एक महीने का गैप है यानी कि जो एक महीने का गैप है यानी कि ये जो मेरे सौ रुपए हमारे लीजिए उधार है जो मुझे बाबू भैया को देने है, और ये इसने सौ रुपये मुझे दो महीने बाद देने हैं तो कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जो मुझे एक महीने के लिए सौ रुपए दे दे तो बात बन सकती है यहां पर सो रुपये अगर मुझे एक महीने के लिए तो बात बन जाएगी ना ठीक है तो दो महीने बाद तो मेरे पास सौ आ ही जाएंगे तो दो महीने बाद जो सौ रुपए आएंगे मैं इस पर्सन को दे दूंगा लेकिन ये बंदा छात्र है ये बंदा बहुत शातिर है ये बंदा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं एक महीने के लिए मैं दूंगा लेकिन मैं चार्ज करूंगा कुछ मैं सौ रुपए तो दूंगा आपको लेकिन मैं महीने बाद एक सौ बीस लूंगा आपसे वापस अब बाबू भैया कैलकुलेशन सॉरी कालीन भैया कैलकुलेशन लगाते कालीन कहते हैं कि 120 तो ठीक है मुझे वापस दे देना 120 देने को तैयार तो क्यों तैयार है बाबू भैया का जब ये फ्लो ऑफ मनी बिल्कुल सही चल रहा था जब यहाँ से एक महीने में पैसा आ रहा था एक महीने में जा रहा था सब कुछ ओके चल रहा था तब बाबू भैया का सौ रुपए में प्रॉफिट आपका चालीस रुपए होता था सौ रुपए का जो सामान बेचता था उसमें प्रॉफिट बाबू भैया का चालीस रुपए होता था अब जब क़ालीन भैया को यहाँ पर डर लग गया डर सता गया कि मेरी दुकान बंद हो सकती है मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता तो कालीन भैया क्या सोचते हैं कालीन भैया कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं दुकान बंद होने से कितना नुकसान होगा चालीस रुपए का नुकसान होगा और दुकान चलती रहे तो क्या होगा तो मुझे इस बंदे की मदद चाहिए और इसको मुझे कितने बीस रुपए ही तो फालतू देने हैं तो एटलीस्ट चालीस माइनस बीस तो बीस रुपए तो मेरे पास आ गया बीस रुपए मैं खाऊंगा तो सही बीस रुपए मैं कमाई तो कर लूँगा बीस रुपये घर की रोजी रोटी चला लूंगा चल गई ना रोजी रोटी घर की तो ये जो बीस रुपए हैं ये बाबू भैया ने एक सॉरी खलीन भाई बार बार बाबू भैया बोल रहा खालीन भैया ने एक यहाँ पर एक अच्छा खेल खेला एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई एक अच्छी नीति बनाई जो हमारे चैनल का नाम है स्टडी नीति अगर चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा हिट कर दे बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है और हमारे जरूर जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको जरूर परचेज कर लो ट्रस्ट कीजिएगा बहुत ही शानदार है ठीक है लेकिन उधारी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ठीक है सारा का सारा काम नगद पे किया जाएगा एडवांस पेमेंट के साथ सो यहाँ पर आपका चालीस और बीस रुपये पहले चालीस होता था बीस रुपए होता है तो यहाँ पर आपका जो बीस रुपए आपका प्रॉफिट हुआ तो बाबू कालीन भैया ने उसमें संतुष्टि करना बढ़िया समझा बट यहाँ पर फायदा क्या हुआ हमारी फ्लो ऑफ मनी जो है जो वो ब्रेक नहीं हुई फ्लो ऑफ मनी हमारी बरकरार रही गॉट इट थम्स अप समझ में आ गया यस 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 ओके 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 ग्रेट 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 बढ़िया बात अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बताना ठीक है आ, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर वन से देखना स्टार्ट कीजिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा ठीक है सर आप ये क्लासेस बोर्ड पर लिया करो इट्स गुड दैन इट बंधु मेरे जो भी था यार साढ़े दस बजे यार बोर्ड पे यार मैं आठ बजे तो बैंक से आया हूँ आठ से नौ मेरी एक क्लास थी साढ़े नौ से सवा दस तक मैंने अभी क्लास छोड़ी है साढ़े दस से साढ़े ग्यारह सवा ग्यारह पता नहीं कब तक ले मेरी क्लास है फिर मैं सोऊंगा और फिर मैं सुबह साढ़े छह बजे फिर क्लास है तो भी बोर्ड का सिचुएशन कहा से मैं बोर्ड लाऊ यार अब बोर्ड मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा यार कुछ मैं इतना कर रहा हूँ तो यार आप इतना नहीं मैनेज कर सकते यार कमाल कर रहे हो यार आप ओके ओके ठीक है तो ये हुआ आपका यहां पर एग्जाम्पल एक छोटा सा अब यहां पर मैं बात करता हूं ये जो बंदा था ये जो बंदा था ठीक है जिसने एक महीने के लिए उनको एक सौ बीस रुपए चार्ज किए मतलब बीस रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए ये बंदा कौन था और इस बंदे ने ये सब क्या किया ये साइकिल जो था ये साइकिल आखिरकार क्या चीज का साइकिल था जो ये साइकिल था हमारा डेटर्स और इधर थे हमारे क्रेडिटर्स ठीक है ये डेटर्स जो होते हैं और ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ये जो साइकिल था इन दोनों के डिफरेंस का इन दोनों के डिफरेंस का जो साइकिल था इसको मैं एक और नाम से जानता हूं लेकिन अगर मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं दैट इज द डेटर्स को मैं अगर स्टॉक के अंदर ऐड कर दूं और अगर मैं उन दोनों चीजों को जो वैल्यू आएगी मेरी दुकान पे जो भी मेरा स्टॉक पड़ा है जो भी मेरे डेटर्स हैं इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू को मैं क्रेडिटर्स की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं कहूंगा वर्किंग कैपिटल उसको मैं कहूंगा वर्किंग कैपिटल ठीक है तो यहां पर जो वर्किंग कैपिटल लिया मैंने इसको मैं और थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करता हूं और उसको मैं कहूंगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल डब्ल्यू सी सी ए माइनस सीएल इक्वल टू डब्ल्यू सी ठीक है यह चीज पीओ में आ चुकी है क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर

ये भी तो एक प्रकार से मैंने पीछे उधारी ली मैंने पीछे से उधारी ली या फिर मैंने पीछे से जो तो कैश में खरीदा उसके बदले में मेरे पास स्टॉक तो पड़ा मेरी एक चीज पड़ी है ना मेरे पास स्टॉक ठीक है अब स्टॉक बेचूंगा पैसा आएगा अगर दूंगा तो क्राइटर्स तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे तो एक तरह की चीज है सो तो डेटर्स को अगर स्टॉक के अंदर ऐड करता हूं तो करंट यानी कि तरलता है ठीक है और उसको माइनस करूंगा करंट से जो तो वो आपका एक वर्किंग कैपिटल बन जाती है इसको टर्म को टेक्निकल भाषा में वर्किंग कैपिटल कहते हैं दोनों का जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और अब यहां पर जो मैंने ये बीस जो एक मैंने एक महीने के लिए साइकिल के लिए लिया था वो यही है आपका वर्किंग कैपिटल दिस इज वर्किंग कैपिटल मींस करंट अट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस मुझे जो सौ रुपये मुझे चाहिए थे दैट सौ रुपए इज नोन एज दी वर्किंग कैपिटल और इस वर्किंग कैपिटल को जब हम किसी पर्सन के पास लेकर जाते हैं और पर्सन को कहते हैं मुझे ये पैसा दे दो उधारी के फॉर्म में तो उस चीज को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इसको कहा जाता है और ये जो फाइनेंस है वो कौन करता है अगर मैं बात करूं तो ये फाइनेंस आपके बैंक्स करते हैं और जब ये फाइनेंस आपके बैंक्स करते हैं तो इस तरह के फाइनेंस को जो फाइनेंस जो पैसा अगर स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करके बैंक्स के द्वारा दिया जाता है जनरल पब्लिक को ऐसे फाइनेंस को ऐसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को ऐसे लोन को ऐसे लोन नहीं कहूंगा ऐसे एडवांस को हम कहते हैं कैश क्रेडिट यानी कि अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू क्रेडिट मतलब उधार क्रेडिट का मतलब उधार कैश का मतलब आपका नगद जो क्रेडिट पे आपने दिया था जो उधार पे चीज़ें दी थी आपको उसके लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपकी कैश की शॉर्टेज आ चुकी है जिसके लिए मुझे पे करना है क्रेडिटर को इसलिए इसको कैश क्रेडिट कहा जाता है ओके सो यहाँ पर आपका इसको आपको कैश क्रेडिट कहा जाता है स्टॉक डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स के कम्बिनेशन को कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स दैट्स इट सिंपल दैट इज नोन एज दी वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी दिस इज वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किसके द्वारा बैंक्स के पास उधार लेने अगर गया कालीन भैया और बैंक्स ने अपनी टेक्निकल भाषा में इस टर्म को कैश क्रेडिट कह दिया कि बैंक्स इनको इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपकी एक लिमिट बना के देगा जिसको हम कैश क्रेडिट के नाम से जानेंगे समझ आया ठीक है तो यहां पर अब जिसको हम कैश क्रेडिट के नाम से जानेंगे ओके सो रुको एक सेकेंड अरे यार क्या हो रहा है लेजर क्यों नहीं काम करता है इसका हुँ? चलो छोड़ा मैंने उस दिन भी क्या हो गया था ओके okay. तो यहां पर हमने बात की कैश क्रेडिट यहां पर अब यहां पर और कुछ टेक्निकल भाषा में चलते हैं हम कैश क्रेडिट की जो कि आपकी आ, क्या कहेंगे उसको मैंने अभी बात की कि आखिरकार इसकी एक लिमिट बना के दे दी जाती है क्या की गई लिमिट बना के दी गई लिमिट का मतलब क्या हुआ जितने अमाउंट की मुझे जरूरत है यहां पर मुझे अमाउंट कितनी चाहिए थी मुझे अमाउंट चाहिए थी सो रुपए मुझे अमाउंट चाहिए थी सौ रुपये जो सौ रुपये मुझे अमाउंट चाहिए थी बैंक ने मुझे क्या किया बैंक ने इसकी एक लिमिट बना के दे दी सौ रुपये की बैंक में आप गए बैंक ने आपका एक अकाउंट ओपन कर दिया और ये अकाउंट ओपन किया गया हंड्रेड रुपीज का इसमें ऐसा कुछ नहीं आपने हंड्रेड रुपीज दिए हैं आपनेड्रेड रुपीज नहीं है बैंक आपको हंड्रेड रुपीज दे रहा है ये पर्सन जिसपे हंड्रेड रुपीज दे रहा था और बैंक इससे के बदले में क्या करेगा बैंक आपको हंड्रेड रुपीज दे रहा है वो एक अकाउंट भी ओपन करके दे रहा है जिस अकाउंट में बैंक हंड्रेड रुपीज अपनी तरफ से डालेगा ये जो हंड्रेड रुपीज है ये हंड्रेड रुपीज बैंक आपकी तरफ से डालेगा यहां पर हंड्रेड रुपीज होकर यहाँ लिख देता हूं ये हंड्रेड रुपीज जो है बैंक अपनी तरफ से डालेगा आपको एक अकाउंट में और उस अकाउंट से आप पैसा लोगे अब बैंक कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं जो आपको आकर आपके हाथ में पकड़ा देगा बैंक तो टेक्निकल चीजों के थ्रू चलेगा बैंक अपने आपको बैंक में आपका एक अकाउंट खोल देगा आपकी फर्म का एक अकाउंट खोल देगा और उस फर्म के अकाउंट में वो सौ रुपये डाल देगा अपनी तरफ से जिस सौ रुपये को आप निकाल लेना और फिर आगे पेमेंट कर देना आगे पेमेंट कर देना और आगे जब पेमेंट करोगे जब सौ रुपये निकालोगे तो बैंक इसके बदले में आपसे चार्ज करेगा आप क्या चार्ज करेगा इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक आपसे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना बैंक से पैसा लोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा ऑब्वियस है जैसे उस बंदे ने बीस रुपए चार्ज किए तो सौ रुपए के मिले वैसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक से आप पैसा ले रहे हो बैंक से आप उधार ले रहे हो ठीक है अब यहां पर बात मैंने आपको बताई थी कि यहां पर क्या हुआ कि दो महीने के लिए मुझे पैसा कितने टाइम के लिए चाहिए था मुझे पैसा एक महीने के लिए चाहिए था क्योंकि बाबू भैया को पैसा एक महीने में देना था पीछे से पैसा मेरा दो महीने में वापस आना था मुझे पैसा तो एक महीने के लिए चाहिए था और इस पर्सन को मैंने क्या किया था इस पर्सन को मैंने एक महीने में पैसा लुटा दिया था कितना लुटाया था सौ प्लस बीस रुपए उसने बीस रुपए कमीशन चार्ज किया तो एक सौ बीस रुपए उसको बंदे को मैंने लुटा दिया सेम यहीं पर सिचुएशन वैसी ही होगी कि मैं सौ से ले लूंगा और एक महीने बाद जब मेरे पास पैसा आ जाएगा क्योंकि पीछे से मेरी जो उधारी दी हुई थी मैंने वो उधारी मेरे पास वापिस आ गई तो मैं वो सौ रुपया बैंक को वापिस दे दूंगा जब मैंने लिया था तो ऑब्वियस दूंगा और अब यहां पर बैंक सौ रुपये से तो मानेगा नहीं क्योंकि बैंक को एक महीने का बैंक आपसे ब्याज भी तो वसूलेगा तो बैंक को मैं क्या करूंगा बैंक को मैं सौ रुपए प्लस इंटरेस्ट वापस चुका दूंगा एक महीने बाद बाद अब क्या होगा अब यहां पर अगली बार फिर से एक महीने बाद फिर से वही साइकिल फिर से आपको पैसा चाहिए फिर से आपने बाबू भैया को देना फिर से आपने पीछे पैसा आपको उधार लिया तो फिर से आप बैंक के पास जाओगे फिर बैंक को कहोगे कि सौ रुपए दे दो भाई बैंक फिर से सौ रुपये दे देगा आपके एक महीना फिर आप जो लौटा दोगे इंटरेस्ट के साथ फिर आपको सौ रुपये फिर आप इट लौटाओगे फिर आप सौ सो सौ रुपये फिर आप लौटाओगे यही साइकिल चलती रहेगी या नहीं चलेगी चलती रहेगी ना क्योंकि हमारा बिज़नेस भी तो ऑन गोइंग है बिजनेस भी तो हमारा चल रहा है कंटिन्यू तो चल रहा है हमारा बिजनेस कहीं रुका थोड़े ना बिजनेस हमारा और ये तो मैंने एक एक महीने का गैप लिया है और एक ही प्रोडक्ट का गैप लिया मैंने एक ही प्रोडक्ट की चीज़ बताई नटखट की बात की थी हमने केवल के मैं के आपको नटखट का एग्जांपल लिया इस तरह के कालीन भैया के दुकान पर किराने की दुकान पर कितने सारे सामान हैं कितने लोग उधार करके गए कितने लोगों को उसको पीछे से पैसा देना है और कितने लोगों से पैसा लेना है तो आप ये सोचो ऐसे सौ सो, सौ 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 रुपये करके कितने सारे तो प्रोडक्ट है और जरूरी है हर एक प्रोडक्ट का साइकिल सेम हो साइकिल से मेरा मतलब क्या है उसको पैसा किससे पीछे से देना है जिससे माल खरीदना है वो पर्सन हो सकता है एक तारीख को पेमेंट कराता हो हो सकता है जिससे पैसा लेना है वो दो तारीख को पेमेंट करे हो सकता है कोई तीसरा प्रोडक्ट का डेट जो हो वो पांच तारीख की पेमेंट की डेट हो हो सकता है किसी प्रोडक्ट की किसी कस्टमर की पेमेंट करने की डेट जो हो दस तारीख को तो आप ये समझो कि पूरे के पूरे थर्टी डेज या कह लो थ्री सिक्सटी फाइव डेज ये सिनेरियो तो चलता रहेगा डेली बेसिस पे किसी का पैसा आ रहा है डेली बेसिस पे किसी का पैसा जा रहा है किसी को मैं पेमेंट ले रहा हूं किसी को पेमेंट दे रहा हूं ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है तो ये जो हंड्रेड रुपीज वाला फंडा मैंने बताया तो ये भी तो ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा ऑनगोइंग प्रोसेस कैसे बैंक आपकी एक लिमिट बना देगा फिक्स सौ रुपए की बैंक आपके एक सौ रुपए की लिमिट फिक्स कर देगा बैंक आपके जो टोटल जितने भी स्टॉक है आपकी दुकान पे जितने भी डेटर्स अलग अलग स्टॉक के हैं जितने भी क्रेडिटर्स अलग अलग स्टॉक के हैं इन सबको कैलकुलेशन करके बैंक एक आपके फिक्स लिमिट बना देगा जो कि आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी उस पर्टिकुलरली कैश क्रेडिट अकाउंट की और फिर क्या करोगे आप फिर वो सौ रुपए की लिमिट मान लो मैं सो के जो है हजार रुपए की लिमिट अब कर दी मैंने हजार रुपये की लिमिट बैंक ने बना दी अब जो हजार रुपये की लिमिट है वो आप क्या करोगे उसको यूटिलाइज करोगे यूटिलाइज कैसे आपको अलग अलग, अलग प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करनी है आप उसमें पैसा उठा लोगे पेमेंट तोड़ दोगे मान लीजिए कोई पर्सन दो दिन बाद पैसा देगा आपको वापस आप इस अकाउंट में डिपोजिट करा दोगे तीन दिन बाद पैसा बीस रुपए देगा आप जमा करा दोगे आपको इतनी पाँचवें दिन कोई आपको सौ रुपये देगा आप इसमें जमा करा दोगे पाँच सौ रुपये देगा आप जमा करा दोगे आपको फिर से कहीं से प्रोडक्ट खरीदना है आप उसमें सौ रुपये निकाल लोगे आपको कहीं किसी और चीज़ को सामान को खरीदना है पीछे से आप तीन सौ रुपये निकाल लोगे कोई और उसी वक्त पेमेंट आ गई तो आप इसमें डाल दोगे समझ अब आप डालोगे क्यों क्योंकि डालेंगे तभी पैसा तो ब्याज उतना कम लगेगा ना जितने दिन हम पहले डाल देंगे पैसों में ब्याज भी तो उतने दिन का लगेगा जितना पैसा हमने उठाया तो गेटिंग माय पॉइंट ये अब बहुत सारा मिक्सचर हो चुका है बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे डेटर्स और बहुत सारे क्रेडिटर्स सब इन्वॉल्व हो चुके हैं एक साथ मिलकर आएंगे एक साथ मिलकर काम करेंगे एक साथ मिलकर बैंक की लिमिट में आपका अपनी पेमेंट देंगे पेमेंट लेंगे ठीक है समझ में आ गई ये चीज ठीक है सो so यहां पर आपका अह ये चीज आपकी हुई एक लिमिट की और इस लिमिट को हम कहते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट जो कि हमारी बिजनेस को डेली बेसिस पर जरूरत पैसों की जो होती है उसको पूरा करता है अब डेली बेसिस पर पैसों की जरूरत और कुछ चीजों के लिए भी हो सकती है वो कैसी चीजें? मान लीजिए मुझे सैलरी देनी है किसी की मान लीजिए कोई मुझे वैसे ही नॉर्मल पेमेंट करनी है कोई कोई पर्सन अगर कोई आ, जो रेडी वाला है वो लेकर आया है सामान उसको पेमेंट करनी है मुझे ठीक है इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है किसी भी तरह की मुझे छोटी मोटी जो पेमेंट करनी है जो रोजमर्रा के जरूरतें हैं ना मेरी उनको भी इसमें जोड़ लिया जाता है वो भी करंट अट का पार्ट बन जाते हैं करंट लाइबिलिटी में आ जाती है सब चीजें तो ये सब चीजें आपकी जब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है और जो लिमिट बैंक बनाता है उस लिमिट में से आप पैसा उठा सकते हो जब आप चाहो और जब मर्जी आप पैसा चाहो उसमें डाल सकते हो और ये विद इन द लिमिट चलता रहता है जितनी आपकी लिमिट बना दी मैक्सिमम उतने तक का आप पैसा उठा सकते हो और उसमें उतना पैसा आप डाल दो कोई इश्यू नहीं है उससे ज्यादा भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं बट उतना ही डालोगे आप ऑब्वियस है ज़्यादा क्यों डालोगे और आप जब डालोगे जितने टाइम आपका पैसा उसमें रहेगा जितना पैसा आपने उठाया हुआ है उतने ही पैसे पर आपका ब्याज लगेगा उतने ही पैसे पर आप ब्याज लगेगा उससे ज्यादा पे आपका ब्याज नहीं लगेगा मान लीजिए हजार रुपये की लिमिट है आपने पैसा उसमें पाँच सौ रुपए ही उठाया हुआ तो पाँच सौ रुपए अमाउंट पे ही ब्याज लगा और इस पर ब्याज कब कैलकुलेट किया जाता है इस पर ब्याज डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है शाम को अगर आपका पांच सौ रुपए उठा हुआ तो पांच सौ रुपए का एक दिन का ब्याज बैंक कैलकुलेट कर लेगा अगले दिन मान लीजिए उसमें तीन सौ रुपए उठाए यानी तीन सौ रुपए उठाने का मतलब कि दो सौ रुपये आपने अगले दिन जमा करा दिया तो तीन सौ रुपए उठा हुआ दिखा ना उसमें उठाने का मतलब कि मैंने लिमिट को निकाला उसमें से पैसा निकाला है बैंक से लिया है पैसा तो दो सौ रुपये जमा कराने का मतलब तीन सौ रुपये मैंने उठा तो अगले दिन एक दिन का तीन सौ रुपये ब्याज लगा अगर मान लीजिए अगले दिन मैंने छह सौ रुपये उठा लिया तो यानी कि मेरा बैलेंस कितना पहुंच गया नौ सौ रुपये पहुंच गया ना तो अगले दिन नौ सौ मेरा एक दिन का ब्याज लगेगा और अगले दिन मान लीजिए मेरे पास हजार रुपये आ गया तो मैंने हजार रुपये जमा करा दिया तो मेरी लिमिट मतलब नौ सौ रुपये आ गया तो नौ सौ रे चलते हैं तो नौ सौ रुपये आगे मैंने नौ सौ रुपये जमा करा दिया तो अगले दिन मेरा सौ रुपये पे ब्याज लगेगा और हजार सौ रुपये फिर से आ गया तो सौ रुपये मैंने करा दिया तो मेरा किसी भी तरह का भी ब्याज नहीं लगेगा

अब यहां पर जो मैंने लिमिट निकाली जो मैंने लिमिट निकाली आपकी कैश क्रेडिट लिमिट निकाली इस कैश क्रेडिट लिमिट लिमिट वर्ड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं पावर। है उसको हम? उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग पावर डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग पावर यानी कि आपकी कितनी निकालने की क्षमता है पैसा निकालने की कितनी क्षमता है आपकी उस अकाउंट में से एक और वर्ड यहां पर होता है और वो होता है यहां पर सेंक्शन लिमिट क्या वर्ड होता है सेंक्शन लिमिट यानी कि जो हजार पे मेरा यहां पर लिमिट बनाई गई थी वो थी सेंशन लिमिट मेरी कि मुझे कितना पैसा सेंक्शन किया गया मुझे क्रैश क्रेडिट कितनी अमाउंट का सेंशन किया गया मुझे कितना लिमिट असाइन की गई मुझे हजार रुपए की सेंक्शन असाइन किया मुझे हजार रुपए की लिमिट असाइन की गई बट यहां पर हजार रुपये की जो लिमिट मुझे साइन की गई वो किस बेस पर साइन की गई है वो मुझे की गई है, है जितने मेरा स्टॉक है है जितना मेरा डेटर कितने मेरे क्रेडिटर हजार रुपए की जो लिमिट की जाती है वो साल के लिए की जाती है हमेशा जो सेंक्शन लिमिट आपकी दी जाती है कैश क्रेडिट लिमिट दी जाती है वो एक साल के लिए दी जाती है एक बार एक कस्टमर को ठीक है और उस दौरान उस दौरान हम टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं बैंक्स टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि उसका स्टॉक कितना है उसका डेटर कितना उसके क्रेडिटर कितने हैं अगर मान लीजिए उसके स्टॉक डेटर क्रेडिट जो है वो हजार पे के अकॉर्डिंग ही नहीं उसके बाद स्टॉक डेटर क्रेडिट की जो कैलकुलेशन करके उसका जो कैलकुलेशन बनेगी वो मान लीजिए आठ सौ रुपए बनती है हज़ार रुपये मैंने तो हजार रुपये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसको दिया था ना सेंक्शन लिमिट बट अगर उसकी कैलकुलेशन किसी भी वक्त हजार आठ सौ रुपये बनती है अगर साल के दौरान अगर पर मंथ जब हम असेसमेंट करते हैं उसकी तो अगर आठ सौ रुपये बनती है तो वो जो लिमिट है जो सेंक्शन लिमिट है मैं उसको रिड्यूस नहीं करूंगा वो तो एक साल के लिए परमानेंट बना दी गई है हजार रुपये वो एक साल के लिए परमानेंट सेंक्शन लिमिट बना दी गई है बट मैं जो चीज रिड्यूस करूंगा जो चीज कम करूंगा वो आठ सौ रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं उससे ज्यादा वो अमाउंट विद्रॉ नहीं कर सकते अपने अकाउंट से सो एट द इनिशियल लेवल हम क्या कहेंगे सेंक्शन लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू द द्रॉइंग पावर सेंक्शन लिमिट जो होती है वो हमेशा ड्रॉइंग पावर के इक्वल होती है बट नॉट ऑलवेज सेंशन लिमिट कैन बी ग्रेटर देन ड्रॉइंग पावर सेंक्शन लिमिट कैन बी इक्वल टू द ड्रॉइंग पावर ओके बट ड्रॉइंग पावर कैन नॉट बी अब देंक्शन लिमिट सेंक्शन लिमिट साल में एक बार असाइन कर दी उसके बाद हम टाइम टू टाइम उसकी असेसमेंट करते हैं उसके बेस पर उसकी ड्रॉइंग पावर यानी कि उसकी पैसा निकालने की क्षमता कितनी है वो असेस करते हैं वो हम जज करते हैं उसकी ड्राइंग पावर से ड्राइंग पावर कैसे निकालते हैं सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे हमने वर्किंग कैपिटल निकालनी सेम वही रूल है सेम वही फंडा है बट जरूरी होता है हमेशा क्या होता है नॉर्मली कस्टमर जितनी सेंक्शन लिमिट होती है उतनी उसकी तो ड्राइंग पावर होती है बहुत रेयर केसेस होते हैं जब उसकी ड्राइंग पावर कम होती है तो निकालने की क्षमता कम होती है So, ये पूरा का पूरा का खेल हुआ कैश क्रेडिट का जो कि एक बिजनेस के लिए होता है जो कि एक बिजनेस लोन कहलाता है और इसी चीज को हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं इसको क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी कहते हैं ये आपके लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर सारी चीज एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर एकदम से पढ़ लीजिएगा आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे चीज जो मैंने बताया है यहाँ पर ओके अः आ... दिस इज द थिंग यहां पर आपको एक एक चीज डिफाइंड है ओके चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आ, समझ में आ गया होगा ओके okay, अब कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए करंट कैश क्रेडिट मैंने आपको समझाया कल हम ओवरड्राफ्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है छोटा सा टॉपिक रहेगा उसके साथ मैं टर्म लोन भी आपको समझाऊंगा ठीक है तो कल ओवरड्राफ्ट एंड टर्म लोन करेंगे किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए बीच में डाउट्स मत पूछा करिए क्योंकि मैं अगर बीच में डाउट्स लेने लग गया तो फिर मैं क्लास का फ्लो बिगड़ जाएगा तो मैं अब आपके यहाँ पर कोई भी मैं कमेंट्स पिछले नहीं पड़े जस्ट मुझे अभी डाउट बताइए डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड लोन इज दिस डिफरेंस कैश क्रेडिट एंड लोन के बीच में अभी डिफरेंस मैंने बताया ही नहीं है अभी पहले लोन को समझने तो लोन भी नहीं बताया मैंने अभी तो कैश क्रेडिट बताया जब मैं लोन बताऊंगा तब आप, आपको मैं बताऊंगा क्या करेगा कैश क्रेडिट और लोन के बीच में डिफरेंस क्या होता है क्वेश्चन वही पूछिए जो आपको मैंने करवा दिया उतने में से पूछिए आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं समझा भी नहीं पाऊंगा अभी सीए क्विज जहां पर मैं लेता हूँ आप मुझे कपिल कार्ड करंट अफेयर्स के नाम से देखोगे तो आपको मेरा सारी चीजें पता लग जाएंगी कहां पर मैं दूसरी क्लास से लेता हूँ अंकित कुमार जय सिंह जी डेली फॉलो करते रहे आपको पता लग जाएगा यहाँ पर स्पैम मत कीजिए हर एक चीज को है ना ओवर टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स कितनी आपकी सेल्स है एक साल में कितना आपने सामान बेचा दैट इज द टर्न ओवर ओके सेंक्शन लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं बिल्कुल सेंक्शन लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है आपका एक साल बाद क्या होता है दोबारा से उस चीज का रिन्यूअल होता है दोबारा असेसमेंट होती है अगर आप चाहें तो आप अपना प्रूफ और दे दीजिए कि मुझे मेरी लिमिट जो है बढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे और पैसा चाहिए मुझे स्टॉक मेरा जो मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं मतलब तो गेटिंग माई पॉइंट समझ रहे हो मैंने बिजनेस एक्सपेंड करना मैंने और स्टॉक खरीदा तो मेरी लिमिट बढ़ा दीजिए और ऐसा नहीं है एक साल बाद ही बढ़ेगी वो आपकी जब भी आप चाहे बढ़वा सकते हैं बट उसके लिए पूरा का पूरा असेसमेंट पूरे के पूरे आपके फॉर्मेलिटीज जो भी बैंक चाहे वो आपको करनी पड़ेगी बट एक साल के बाद चाहे आप बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं आपका पूरा का पूरा दोबारा से लिमिट की असेसमेंट होती है लिमिट को निकाला जाता है और देखा जाता है कि आपकी उतनी लिमिट निकल रही है या नहीं निकल रही अब यहाँ पर जो मैं लिमिट की बात करूँ मैंने तो आपको वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग बताया इसका एक और तरीका होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का जो कि होता है टर्न से रिलेटेड दैट इज दल्स से रिलेटेड जो कि बीस परसेंट सेल्स टर्न हम निकालते हैं उस पर मैं अभी नहीं समझा रहा आपको क्योंकि वो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे हम यहाँ पर आ, बिल्कुल टिपिकल बैंकिंग नहीं करने आए हैं हम उतना ही कर रहे हैं जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेवेंट है और आपको एक अच्छी चीज आपको लगे जितना आपको समझ में आए ठीक है यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग पार्ट नहीं आपको कि प्रोसेसिंग कैसे करते हैं ओके okay. ओवरड्राफ्ट कल करेंगे हर्ष जी ऑलरेडी डाउट क्लियर कर चुका हूं टर्नओवर भी बता दिया मैंने कैश क्रेडिट सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड अभी क्रेडिट कार्ड हमने किया ही नहीं है जब करेंगे तब बताएंगे लॉस होगा अगर हम क्रेडिटर्स को पे करें कैश क्रेडिट लेके फिर दुकानदार डेट क्यों दे तो भाई एक तो दुकान बंद होनी एक कुछ पैसा लेकर कुछ पैसा इंटरेस्ट में दे दिया बाकी प्रॉफिट कमा लिया तो कोई बुरा थोड़ी ना उसमें करने में है? बिल सिविल बिल मैंने करवाया नहीं सर बैंक स्टेटमेंट से कैसे टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है अभी बताऊंगा अभी मैं बताया नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जब मैं असेसमेंट के बारे में बताऊंगा लोन कैसे असेसमेंट किया जाता है वैसे तब बताऊंगा ओके कंसेप्ट समझ लो क्वेश्चन मैं बताते रहूँ साथ में ये वर्किंग कैपिटल पूछा मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जो जो चीज़ें बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आएगा और किस में किसी में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकते हैं आपसे करंट असायर पूछ सकते हैं आपसे करंट लाइविलिटी पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं स्टॉक प्लस डेटर्स क्या होता है आपसे पूछ सकते हैं कि लिमिट कैसे निकली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है ड्रॉइंग पावर क्या होता है सेंक्शन लिमिट क्या होता है सब पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकते है जो आपको कंसेप्ट बताया मैंने ड्रॉइंग पावर अभी तो पता है जितने निकालने की आपकी क्षमता हो जितनी पैसा को निकालने की आपकी क्षमता दैट इज द ड्राइंग जितना पैसा को उठाने की क्षमता आपके स्टॉक लेटर्स के अकॉर्डिंग ठीक है कैश क्रेडिट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है <laughs> यार जमीन आसमान का डिफरेंस है करंट अकाउंट की क्लास देखो कैश क्रेडिट अकाउंट देखो आपको कुछ समझ आए करंट अकाउंट आपके खुद के पैसे होते हैं जो आप जमा कराते हो बैंक में और कैश क्रेडिट आप जो बैंक से पैसा उठाते हो टोटली totally दोनों का डिफरेंस है एक उधार लेना एक आपने जमा कराना सिंपल सा है ये तो डिफरेंस ओके चलिए टेक केयर बाय अकॉर्डिंग टू मी आई हैव द थिंग टुडे एंड मिलते हैं फिर कल आपसे सी यू अगेन किसी को कोई स्टिल डाउट है आई थिंक मैंने कंप्लीटली बहुत अच्छे समझाया है आप इस क्लास को दोबारा सुन लीजिए आपके जितने डाउट है दोबारा से, से क्लियर हो जाएंगे कल मिलते हैं ओवरड्राफ्ट एंड टर्म लोन करेंगे टेक केयर बाय साढ़े दस बजे रात को लाइव क्लास